बता दें 24 घंटे के भीतर राज्य लोकता की पार्टी सड़क पे आ गई और हमने तय किया दिल्ली तक के संदेश में हमारे एमएलए गिरफ्तार हुए, हम हुए कई लोगों को हिरासत में लिया, छोटे मुकदमे दर्ज किए और 27 तारीख को हमने देखा रेला रखा था। नौजवान अब देखिए इसमें सारे नौजवान जो आए अपने अपने साथी ये जोधपुर के हमें संदेश देना था दिल्ली तक। अगला हमारा जो कार्यक्रम हो चुका है कि आंदोलन लंबा चला 6-8 महीने 12 महीने भी चल चुका है, जिस तरह मोदी जी की जीत है किसान आंदोलन में उन्होंने किसानों को खूब खूब खपाया, 1000 बार उसको किसानों की शहादत के बाद किसानों को तीनों बिल वापस किया, उस समय मैंने सत्ता छोड़ी और सड़क पर बैठा शादीपुर बॉर्डर जाम करके मैं एनडीए का हिस्सा था। और अभी इसके अंदर हम जब तक टीओटी निरस्त नहीं होगा, अग्निपथ निरस्त नहीं होगा, पूर्व की पार्टी सेना की भर्तियाँ और नेवी और एयरपोर्ट की ज्वाइनिंग जब तक नहीं होगी, बच्चों को सेना भर्ती देते हैं कोरोना काल में छूट देते हैं, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अगला हमारा जो होगा कल हम सब लोग बैठते हैं प्रदेश वाले क्योंकि जीत करें, कोई बच्चे करे इधर रैली कराओ कोई उधर, जोधपुर हमारी रैली पर था और जोधपुर में एयरफोर्स भी है, मिलिट्री भी है, बीएसएफ भी है, राजनीतिक क्षेत्र से भी जोधपुर एक मैं तो कह रहा था सीएम भी इनसे आते हैं क्योंकि मारवाड़ पूरा जोधपुर से ही एक तरीके राजधानी का, तो हमें जोधपुर में रैली पहले करनी थी, बीच में जवानों का मामला आ गया टीओटी पर, तो हमने जोधपुर में रैली का आह्वान किया, बहुत बड़ी कामयाब जोशीली रैली, 10 बजे का संदेश भी जाएगा, आप लोग इस संदेश को देश में पहुंचाओगे, जवानों की जरूरत है जोर से उदेलित और शांतिपूर्ण तरीके से बिहार की तरह हिंसा नहीं करनी चाहते, शांतिपूर्ण तरीके से अपने हिंदुओं को मनवाना चाहते हैं। टीओटी अगर लागू हो तो देश बर्बादी के कगार पर हो जाएगा, 50% जो लोग वापिस आएंगे चोर और लूटी तरीके से वो यहाँ हथियार चलाना सीख लेंगे आर्मी के और बाद में नक्सलियों से मिल जाएंगे, नक्सलियों का मुकाबला कौन करते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स, तो पैरामिलिट्री फोर्स मिलिट्री से मुकाबला करेगा, हाहाकार मचाएगा देश का। तो इसके पीछे मुझे मंशा लगता है कि सारी रेजिमेंट है मोदी जी तोड़ देते हैं, ये मंशा आगे का हम लिखा दिन तय करेंगे, बड़ी रैलियाँ भी हो सकती है दिल्ली कूद भी होता है और रेलवे। अच्छा अब यहाँ इस प्रोग्राम के बाद अब एक बार ज्ञापन वगैरह क्या हो जाता है हो सकता है कलेक्टर या कमिश्नर भी जा सकते हैं, अभी तय हो जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।